राम सिंह टिब्बुनी है आपके बीके नेता है, उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन चला रहे हैं जो किसान उनको आने वाले पंजाब चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे दिखते हैं? अब पता नहीं, तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरनाम का, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं है अभी, शायद ये हो जाए। गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है ये, उनकी अपील तो सभी किसान नेताओं से ना, आप भी किसान नेता हैं, चलो तो वो आपको भी उन्होंने कहा, वो तो बिल्कुल ठीक है, ये तो संयुक्त मोर्चे का इंटरनल फैसला है अंदर का, तो उसमें तो कभी इस तरह की चर्चा नहीं आई, तो उन्हें हो सकता है कि उनका विचार हो, बहुत लोगों का इस तरह का विचार है कि चुनाव में जा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। आपका क्या मानना है इस पे, क्या चुनाव में जाना चाहिए आपको? अभी इस पे नियम कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि जो मोर्चे का फैसला होगा क्या होगा, हमारा जो व्यक्तिगत है तो आंदोलनकारियों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपका व्यक्तिगत ये कि आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रहे और चुनाव से फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसी इशू पे मैं आपसे बात करता हूँ, हरियाणा के जो सीएम खट्टर साहब है, इन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि जो आंदोलन चला रहे हैं उनका एक अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति माना चाहते हैं, इसी बात को आज एक किसान नेता कह रहे हैं चटूनी साहब, तो क्या इस बात का बल नहीं मिलता उनको? अब क्या पता क्या मिले, हर आदमी देखो, जो आदमी वोट देता है अगर वो वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है, पॉलिटिकल तो सभी हो गया, अगर किसी ने वोट दे दी तो वो पॉलिटिकल हो गया, और अगर वो वोट नहीं देता तो ये नहीं कि वो नॉन पॉलिटिकल है, वोट तो हर आदमी को देना चाहिए, और जो आदमी वोट दे रहा है वो चुनाव भी लड़ सकता है, उसको कोई बैन भी नहीं है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना चाहिए, अगर कोई वोट नहीं दे रहा, नोटा दबा रहा है, तो उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन भी वही आदमी करेगा जो वोट देता है, तो वोट तो आप भी देते हैं। हाँ, वोट हम भी देते हैं, वोट देते हैं तो आपने कहा कि जब वोट देते हैं तो चुनाव भी लड़ते हैं, क्या चुनाव नहीं, हम नहीं लड़ते हैं, ये नहीं कहा कि सब आदमी चुनाव लड़ेंगे, भाई हमारा ये है कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हमने लड़कर देख लिया, आंदोलनकारी चुनाव लड़ता है तो उसको फायदा नहीं उसका होता, क्योंकि आम जनता उसको आंदोलन के हिसाब से देखती है, यहाँ पे जो लोग आते हैं अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, तो हम भी फिर उन्हीं के उसमें हो जाएंगे, देश में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए अभी, देश को आंदोलनकारी नेता चाहिए, अब जो आंदोलन कर सकता है वो भी चाहिए देश में, सब तरह के लोग चाहिए। चटूनी जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या ये जो आंदोलन है इस बयान से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ये विचार हैं, ये इस तरह के विचार सब जगह आते हैं, वहाँ पे भी आते हैं, संयुक्त मोर्चे में भी बहुत लोग हैं या आम किसान हैं, तो वो कहते हैं कि भाई चुनाव भी लड़ो, ये करो, तो ये तो विचार है, अब अपना इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें अपना विचार रखना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है कि, और यही मोर्चा है कि हर आदमी अपनी बात खुलकर रख सकता है। धन्यवाद जी। पहले डीजल पेट्रोल और उसके बाद अब सीएनजी पीएनजी गैस के जो सिलेंडर में करके उन सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, इस पर आपने आज एक प्रोग्राम रखा है फॉरन बजाओ, और प्रोग्राम हमें बताइए सर क्या प्रोग्राम है और क्या कारण है उसको रखने का? देखो, लोग सड़कों के पास में 10 बजे से और 12 बजे तक का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अपने ट्रैक्टर है, वो गाड़ी की उसके हाईवे के पास में लगाएंगे, सड़क के किनारे खड़े होंगे, गैस के सिलेंडर हैं वे रखेंगे, अपना विरोध जताएंगे कि महंगाई है, हमारा महंगाई का विरोध है, सरकार ने जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग के रोजगार चले गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, तो ये एक विरोध है हमारा, 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा ये रहेगा आज। किस अपने उसको किस एम पे रखे ये सब कर रहे हैं आप, राजनीतिक कोई पक्ष में कोई नहीं है, तो आप किस लिए कर रहे हैं? क्यों, हमारी जेब से जब पेट्रोल डाले कोई और डाल लगा जेब से, भाई हम भी आम आदमी हैं, डीजल के रेट बढ़ेंगे, सीएनजी के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, तो घर से ही तो जाएंगे, कोई सरकार देती है उसको, हम भी आम आदमी हैं, उनकी समस्या उठाना आंदोलनकारियों का, किसानों का हक है, और हमने तो और लोगों भी कहा जनता को कि जनता को सड़क पाना चाहिए, जनता को अपनी बात कहनी चाहिए, जनता को डरने की जरूरत नहीं।